वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। आप सभी के लिए आज रमज़ान मुबारक की जो ईद का दिन है तो सबके लिए मुबारकबाद। और आज हम हैं किंग फिश वर्ल्ड पर, तो ईद मुबारक की जैसे वीडियो के लिए आप लोग इससे पहले खलील भाई अपडेट दिए थे, तो आज वो वीडियो मैं बतलाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबके लिए ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सभी के लिए किंग फिश वर्ल्ड की तरफ से ईद मुबारक। देखिए, हर किसी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर किसी के लिए ईद मुबारक। और आप लोग हर कोई ईद का जो तरीक़ा है, ईद मिलने का, हर किसी से, बड़े से, बच्चे से, एवरीथिंग किसी से, सब जने घर पे जाके ईद मिलीजिए। अपने दुश्मन से रहो, दोस्त से रहो, एवरीथिंग किसी से भी रहो। ईद का मकसद ये है, दिल से दिल मिलना चाहिए, गले से गला मिलना चाहिए, उसी को ईद कहलाते हैं। ईद मिलने का तरीक़ा ये है, क्योंकि लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर दिए ईद हो गई, भाई ऐसा ईद नहीं होती। ईद का जो तरीक़ा है, किसी की शादी में दावत नहीं दिए तो नहीं जाते ना लड़के, तो ईद में जाना ज़रूरी है, वो हक है। देखिए, अख़लाक़ है जी, तो वो ज़रूरी चीज़ है। आपको सबको ईद के कपड़े भी पहनाए हैं। ईद के कपड़े भी पहनाए हम कैट को, कहीं कोई कैट को पसंद भी नहीं आ रहे, नहीं नहीं पहन रहे, ठीक है, मसला नहीं है कुछ भी बिल्लियों का। हर कोई जी, हर किसी के, क्योंकि आपकी सारी टीम है ना, ये हमारी टीम है, और टीम है, टीम थोड़ी कम है, कोई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उन लोग भी हमारे साथ हाथ जुड़े हुए ईद के लिए आए हुए जी। और अमेरिकन किटन फिश एवरीथिंग ईद के मौके पे भी हम आप लोग का दिल से स्वागत करते हैं। हर जानवर जो पेट लवर, जो जानवर को प्यार करता, मोहब्बत करता, पूरे स्टाफ की और अकरम डेयरी फोरम की तरफ से भी जो हमारे को सपोर्ट करके, प्यार करके, एवरीथिंग ईद के टाइम भी आके वीडियो शूट करके डाल रहे, बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हर सारी कायनात को अल्लाह ताला कामयाब करे। और फलस्तीन के लोगों के लिए दुआ करिए भाई, लोग हर कोई उनके बारे में थोड़ा तो सोचिए। अपन तो ईद सुकून से मना रहे, उन लोगों पर क्या बीतरी होंगी, अल्लाह बेहतर जानता। अल्लाह है हर किसी का अच्छा करने के लिए, जो भी होता अल्लाह के कर्म से होता, अल्लाह की तरफ से होता। आप लोग दुआ करो, कुछ भी मत करिए सिवाय दुआ। ईद के दिन सो मत, अल्लाह के वजह से उस दिन नमाना पढ़ो, उस दिन दुआ करिए, उस दिन अपने दुश्मन से भी जाके मिलिए। एक और ख़ास मैसेज भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, ईद के दिन स्पेशली या ईद से पहले जो चांद रात रहती, मैं पिछली भी एक वीडियो में बतलाया था कि वो बहुत ज़्यादा अहमियत वाली रात होती, तो उस दिन भी आप लोग इबादत कीजिए। और ईद के दिन भी खासतौर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और बरकतें नाजिल होती रहती है उस दिन, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ईद का दिन मुकर्रर करे हुए हैं। इस वजह से उस दिन की इबादतें बहुत ज़्यादा कबूल होने वाली है, बहुत बड़े अमल होते हैं उसके अंदर। आप छोटा भी अमल करेंगे तो बहुत बड़ा अल्लाह ताला उसका अजर देने वाले हैं। तो आज भी आप लोग नमाजों का एक छोटी और एक उम्र में एक छोटी चीज़, क्योंकि कई जने जो शादीशुदा लोग हैं, जो अम्मा बाबा से नहीं मिलते, अलग रह के, उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ईद के दिन अम्मा बाबा से जाके मिल लीजिए, एहतराम से, जो अम्मा बाबा का फर्ज है। तो शौक से चले जाते हैं बीवियों को मिलाने के लिए, माँ बाप कर भी जाइए, और अपने बच्चों से भी मिलाइए, जो अपने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मेरी अम्मा को देख के ये हो गया वो हो गया, नहीं भाई, अम्मा अपने को बड़ी करी सोए, वालिद अपने को बड़े करे सोए, कोई इंसान नहीं कर सकता, उनकी मोहब्बत कोई नहीं ला सकता, उनका बदल ही नहीं है कोई भी, वो कोई ला भी नहीं सकता, किसी की काबिलियत भी नहीं। अल्लाह ताला बाप और माँ का मर्तबा रखा सो है, माँ को चुपके नहीं कहा कि जन्नत का मर्तबा दिया सो है, बाप का ही बहुत बड़ा रोल है, एहतराम है। आप सब सारे चीज दरवाजा है, दरवाजा जी, आप लोग सब जने मिलके हर किसी के साथ अच्छे से रहिए, अच्छे से ईद मनाइए, तारुफ कराइए आपकी टीम का। ये हमारे अफसर भाई है जो हमारे स्कूल को लेके आते थे ऑटो में, ये हमारे अफसर भाई है, ये हमारे गौस भाई है, एक्वेरियम का काम करते, पूरा एक्वेरियम इन्हों संभालते, ये हमारे अवेश भाई जो पूरा मैनेजमेंट संभालते जी एक्वेरियम्स का, पूरा जो भी है ना ये शॉप का, ये हमारे नवीद भाई है जो फिश एक्वेरियम के टैंक्स वगैरह जो बनते ना, ये इन्हों मैनेज करते, सुपरवाइजर साहब, और बाकी ये आपसे आगे, ये हमारे आहत भाई है जो पूरा बिल्लियां संभाल लेते, पूरे बिल्लियां पूरा देख लेते, इंजीनियर वीडियो का सब कुछ है ना जी। आप कुछ कहना चाहेंगे ईद के लिए, मैसेज पब्लिक के लिए? और उम्र में एक बात मैं बोलता हूँ, इन्हों हमारे कन एक दो साल नहीं, तीन साल नहीं, चार साल नहीं, 24 या 25 ईयर से हमारे साथ जुड़े हुए, माशाल्लाह। क्योंकि ऐसा नहीं किया भाई किसी से कभी अच्छा होता बुरा होते निकल जाते, मगर एक हादसा, एक मोहब्बत ऐसी है नहीं, इमोशनल हो गए खलील भाई, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा हादसा, आप हम मत करिए आप खलील भाई, नहीं लेकिन अल्लाह ताला हमेशा ऐसी आपके साथ, मरे दम तक साथ रहूंगा मैं आपके, इंशाल्लाह अल्लाह मोहब्बत आगे रखे, मरे दम तक मैं आपके साथ। चलिए आज ईद का भी दिन है, इसी मौके पे गले भी मिल रही है।
इसमें तकलीफ निकल के भी आ जाती बाहर, बहुत खूब। तो चलिए एक एक हादसा है उमर भाई जी के, मेरे छोटे भाई उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। क्या नाम मोहम्मद जलील, क्या नाम है जो, खैर जो भी हादसा है अपन पब्लिक को ठीक है बाद में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उसका अजर देगा इंशाल्लाह। क्योंकि हर चीज़ देखिए अपनी एक चहेती होती, अपन सबसे ज़्यादा चाहते और जो खून के रिश्ते रहते बहुत ज़्यादा अनमोल होते। और हकीकत ये बात भी है कि जान जो ज़िंदगी है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, जब चाहे अल्लाह ले सकते हैं, जब चाहे दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, अल्लाह ताला बुला लिए। तो इंशाल्लाह फिर ऐसे ही अगले वीडियोस में भी हम मुलाकात करते रहेंगे और नेक्स्ट जो भी ऑफर रहेंगे इंशाल्लाह अपडेट आ जाएंगे। तो आप सबको भी अकरम डेयरी फार्म चैनल की तरफ से ईद मुबारक बहुत बहुत, और सारी पब्लिक के लिए भी मैं कहूँगा जो भी हम कोशिश करें मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए आगे बढ़ाइए आप लोग इंशाल्लाह। और मोहब्बत से रहिए, दिलों के शिकवे गिले दूर कीजिए, ये आप सभी के लिए भी बेहतर है और इस्लाम भी यही सिखाता है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह।